हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में आपके लाइफ में ऐसा क्या होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। भगवान करें सब पॉजिटिव हो, बट अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो मैं आपको सिर्फ वार्निंग के लिए बताऊँगी ताकि आप सतर्क रहें। जैसा कि लास्ट रीडिंग में मैंने डाला था कि कुछ लोगों के यहाँ चोरी हो सकती है या किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आपके यहाँ किसी तरीके की चोरी हुई, या तो आपका मोबाइल चोरी हो गया या तो आपके पैसे चोरी हो गए, और साथ ही साथ हेल्थ का भी आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया। शादी का भी मैंने बताया था, आप में से काफ़ी लोगों से रेजोनेट हुआ। कई लोगों के लाइफ में शादी की बातें चलने लगी जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं जो भी बताती हूँ, वो जो कार्ड्स बताते हैं, वो कलेक्टिव एनर्जी होती है। फिर भी अगर आप सतर्क रहें तो बेटर है। कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम डर लगता है, डेथ का कार्ड आ गया या टावर का कार्ड आ गया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड होता है। सब कुछ कर्मा पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए। जैसे आप सोचेंगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो टैरो से मैं देखूंगी आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आने वाले हफ्ते में, जो कि आपने सोचा भी ना हो। और मेजर अरकाना से मैं देखूंगी ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है। इससे मैं 5 कार्ड्स लूंगी एट द एंड। तो शुरू करते हैं टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज़ गाइड करें, जो उन्हें पता भी ना हो, जो उन्होंने सोचा भी ना हो और उनके लाइफ में हो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। कलेक्टिव एनर्जी, टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। जब भी जिसके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस उनको मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें। चलिए शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल सा द लवर्स। चलिए एक ही शफल करती हूँ मैं, आपको पता है अनएक्सपेक्टेड में चाहे एक ही कार्ड आए चाहे जितने भी आए। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। अनएक्सपेक्टेडली आप स्टैंड लेंगे किसी के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है किसी दोस्तों में झगड़ा हो रहा हो, या आपके किसी कलीग्स में झगड़ा हो रहा हो, या कहीं कोई मुसीबत में हो और आप कूद पड़ें। आप उस चीज़ में कूद पड़ेंगे, चाहे वहाँ कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी सिचुएशन हो, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लाइफ में। आपको भी बाद में समझ में आएगा कि यार दूसरे के प्रॉब्लम में मैं क्यों कूद गई या कूद गया। या हो सकता है आपके माँ बाप बाद में बोलें कि तेरे को कूदने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह की एक सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकती है कि घर में किसी से कुछ फाइट हो रही हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो और आप बीच में कूद जाएं, या बाहर कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप बीच में कूद जाएं। तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही साथ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने उम्मीद खो दी है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे या आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, यहाँ पर आप किसी सिचुएशन में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने बल पर, किसी से डरे बिना। ये चीज़ें आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकती है कि किसी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी मुसीबत हो जिसमें आप स्टैंड लेंगे, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स अगर आपके लाइफ में आ जाते हैं तो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर निकल जाएंगे। ये चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है आने वाले हफ्ते में। 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन, इस हफ्ते में भी ध्यान रखें, सतर्क रहें, आपको किसी से धोखा मिल सकता है। कोई आपके अपनों में से कोई आपको तकलीफ दे सकता है, झूठ बोल सकता है, या चोरी हो सकती है, ठीक है। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने सामान, अपने प्रेशियस ज्वेलरी, अपने पैसे या जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, सतर्क रहें, ठीक है।
थर्ड कार्ड है द लवर्स। अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपका सोलमेट एंट्री कर सकता है, कोई ऐसा आपके लाइफ में आ सकता है, चाहे सोशल साइट्स के थ्रू या किसी रिलेटिव या किसी फंक्शन में, जो कि आपका सोलमेट हो और आपका लाइफ उसके साथ आगे बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप कमिटमेंट में हैं, अगर ऑलरेडी आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे आने वाले वीक में। अनएक्सपेक्टेडली आपको उनकी तरफ से कॉल, मैसेज या उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। द फूल का कार्ड है, आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं आने वाले वीक में, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव। आप में से कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली प्लान बन जाएगा और आप घूमने निकल जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करेंगे, केयर फ्री रहेंगे। देश दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारा टेंशन है, लेकिन उस टेंशन से दूर आप समय बिताएंगे ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोग खर्चा कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक एनर्जी दिख रही है। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ नया आपके लाइफ में एंट्री होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ कार्ड है जस्टिस। आपको किसी तरह का, अगर आपके साथ किसी ने गलत करा है, अगर आपके साथ किसी ने भी गलत किया है, तो उसे उसका कर्मा मिल सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके मुंह से निकलेगा जैसी करनी वैसी भरनी वाली एक एनर्जी, जो कि हम बोलते हैं। तो अगर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको गलत बोला था कभी किसी टाइम में, या अगर आपके लाइफ में कभी किसी ने आपको धोखा दिया था, या अगर आपके लाइफ में कभी किसी ने आपके साथ गलत किया था, तो यहाँ पर उनको आने वाले हफ्ते में किसी तरह का कर्मा मिल सकता है। साथ ही अगर आप में से कुछ लोग किसी तरह के लीगल केस से गुजर रहे हैं, या किसी तरह का सिचुएशन है, लीगल कोर्ट का मैटर है, तो वहाँ पर आपको न्याय मिल सकता है अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आपने उम्मीद छोड़ी हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, कुछ लोगों को किसी काम से कोर्ट जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या हो सकता है किसी तरह का साइन या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना पड़े, तो ये भी एक चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। फिर हमारे पास है सिक्स्थ कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ को लेकर आपकी फैमिली में बहस हो सकती है, या तो आपके बारे में कोई चीज़ फैमिली में पता चल सकती है, या तो आप खुद बता देंगे, और या तो कहीं और से पता चल जाएगी। थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अगर स्पेशली लव लाइफ है तो लव लाइफ के बारे में हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली को पता चल जाए कहीं से, तो एक ये डिस्कशन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप डर रहे हैं, बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, और यहाँ पर कुछ आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपका सक्सेसफुल हो सकता है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है उस चीज़ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, करियर से रिलेटेड हो, बट यहाँ फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा बहसबाजी हो, बट एट लास्ट आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा, ये एक चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ट्स। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं अपने लाइफ में, कुछ गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, वो आप अचीव करेंगे। अगर आप करियर को लेकर देख रहे हैं, तो करियर में आपको कुछ अचीवमेंट मिल सकती है। लव लाइफ में आपको मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी शादी हो सकती है आपके सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें, हो सकता है आप कहीं किसी सेलिब्रेशन में जाएं, इन्जॉय करें आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली। बहुत ही अच्छा हफ्ता जाता हुआ दिख रहा है अभी फ़िलहाल तो। टू ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। बहुत ही लवी डवी वाली एनर्जी है आने वाले वीक में, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। करियर में आपको पार्टनरशिप मिल सकती है, मे बी आप पार्टनरशिप में कुछ नया शुरू करें अपने लाइफ में। तो टू ऑफ कप्स का कार्ड है, जो भी होगा म्यूचुअल होगा, दोनों तरफ से होगा। एंड द लास्ट कार्ड इज़ नाइन ऑफ वॉन्ट्स। कुछ लोगों के लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो सकती है, इतनी इनसिक्योरिटी जैसे कि आपके हाथ से कुछ छूट रहा है।
किसी चीज़ को आप पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहेंगे लेकिन आपके हाथ से वो जा रहा है, ये वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली आ जाएंगे। मे बी फुल मून की एनर्जी हो सकती है, आने वाले एक हफ्ते तक तो फुल मून की एनर्जी रहती ही है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फियर रहेगा, तो मैं आपको यही कहूँगी कि फियर से बाहर निकलें। अगर आपको अचानक से किसी को खोने का डर लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके हाथ से जा रहा है या आपको छोड़ कर जा रहा है या आपका करियर ख़राब हो रहा है, तो आप डरे नहीं। जब भी आपको ऐसी एनर्जी फील हो कि आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, वैसे ही आप कोई ना कोई अच्छा सा सबलिमिनल लगा लें, स्पेशली वाटर का बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। या फिर कोई सॉन्ग लगा लें या फिर कोई मंत्र चैंट कर लें या लगा लें, सुन लें ईयरपीस लगा कर, आपको बहुत शांति मिलेगी। इस एनर्जी से बाहर आने का एकमात्र ये उपाय मैं तो यही करती हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है आने वाले वीक में, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। शादी, रीयूनियन, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, एक दो कार्ड को छोड़कर सभी बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो आने वाला हफ्ता बहुत ही प्यारा जाने वाला है। देखते हैं मेजर अरकाना क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। फाइव कार्ड्स, हैंग्ड मैन, ओके, डेथ, हर्मिट, ओके, टू मोर कार्ड्स, दो कार्ड और, ओके, द फूल, वन मोर कार्ड, द हाई प्रीस्टेस विद द जस्टिस, द लवर्स। जस्टिस एंड लवर्स तो यहाँ भी आया हुआ है, तो जस्टिस एंड लवर यहाँ भी साथ में है, ओके। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आने वाले हफ्ते में आप में से कुछ लोगों के बारे में कोई किसी तरह का भड़काना, एक तरह से आप कह सकते हैं कोई आपके खिलाफ किसी को भड़का सकता है, ये वाली एनर्जी दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, अपना आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हैं या थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है क्या बुरा होने वाला है आपको गाइडेंस मिलेगी। आपके ड्रीम्स बहुत पावरफुल होंगे, ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल साइंस मिल सकते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। तो आपने इंट्यूशन पर बहुत फोकस रही, अगर आपके दिमाग में आने वाले हफ्ते में कोई ड्रीम्स आते हैं तो उसको याद करें और उस पर ज़रूर उसको सर्च करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है, आप में से कुछ लोग किसी सिचुएशन में अटका हुआ फील करेंगे, आपको लगेगा कि न मैं आगे की हूँ, न मैं पीछे की हूँ, न मैं घर की न घाट की, वो वाली एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ऐसी फीलिंग हो सकती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, क्या मतलब डिसीजन क्या लूँ मैं, ये वाली एनर्जी भी कुछ लोग फील कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग, क्योंकि मेजर अरकाना में आया है। फिर डेथ का कार्ड है, आप में से कई लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ सकती है, आपको सुनाई दे सकती है किसी तरह की खबर जो कि आपको डेफिनेटली हर्ट करे। तो डेथ का कार्ड है, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपना भी अपने परिवार में भी सबका ध्यान रखें, गाड़ी मोटर अच्छे से चलाएँ, बहुत देख के सतर्क रहें। हर्मिट का कार्ड है, आप में से कुछ लोग बहुत अकेला रहना, जबकि आप बहुत खुश मिजाज इंसान होंगे, हंसना बोलना घूमना फिरना पार्टी करना आपकी डेली रूटीन में शामिल होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग अचानक से आइसोलेट रहना पसंद करेंगे, अपने आप को अपोजिट फील करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत कम खाना खाएंगे, या बहुत कम खाते थे तो बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, वेट या तो बढ़ने लगेगा या तो घटने लगेगा, या तो फिर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे, अपोजिट होता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हंसने बोलने खेलने कूदने वाले इंसान हैं तो आप बहुत ज़्यादा कटे कटे रहना पसंद करेंगे, आइसोलेशन, आपको लाइट से प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा अंधेरे कमरे में रहना है, लाइट ऑफ करके रहना है, बहुत ज़्यादा अपनेपन में रहना, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनना, इस तरह की एनर्जी में आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली जा सकते हैं। अगर ये आपके लाइफ में होता है, अचानक से रात में नींद खुल जाना, भोर में मतलब 3, 3:30, 4 बजे अचानक से नींद खुल जाना, अचानक से आपको फील होना कि आपको मेडिटेशन करना है, तो समझ जाना कि ये 88 पोर्टल के बाद की एनर्जी है, जो लॉयंस पोर्टल गया है 8 अगस्त 2021 को, उसके बाद की एनर्जी होगी ये, अगर आपके लाइफ में ऐसा होगा तो। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द फूल, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, न्यू बिगिनिंग, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मज़े करना, पार्टी करना,
तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। सो एंजल की तरफ से गाइडेंस लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। डोंट स्टॉप का कार्ड दिया है एंजल्स ने, आपके लाइफ में रुकिए नहीं, यू आर रेडी, बिल्कुल रुकिए नहीं अपने लाइफ में। एंड कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप कहीं अप्लाई किए हैं जॉब के लिए तो वहां से भी आपको कॉल या मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, इंटरव्यू कॉल या जॉइनिंग के लिए ऑफर लेटर आपको मिल सकता है। अगर आप पर्सन के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको उनकी तरफ से भी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। अपने लाइफ में आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। तो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आने वाले हफ्ते में इनमें से जो भी मैंने बताया अगर आपसे रेजोनेट हो, ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।